विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा में पहुंचकर मत्था टेक कर मन्नत मांगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज की महिलाओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाया तथा उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की सभी से अपील करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता सुबह अपने घर से निकलें और लोगों के बीच जाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में महिलाओं के अंदर भय डर था कि घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी तथा योगी सरकार आने के बाद यूपी की सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि पहले मतदान, फिर जलपान और बार बार लाएं योगी सरकार, मोदी सरकार। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की धर्म पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा, गुरु की वाणी गुरु करते हैं, बहुत खुशी की बात है कि जहाँ हम रोज का सत्संग कर रहे हैं वहीं आज हमारे बीच में अपने शहर की एक गरीब हस्ती भले ही बहुत ऊंचा है, एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी जीवन बहुत सहज है। मुझे याद है 2019 में जब डॉक्टर रवि किशन शुक्ला जी कैंडिडेट थे और अटल अंदर इंटर कॉलेज है रेलवे के पास, वहां पे सभा हुई थी, योगी जी नच गए थे, अचानक योगी जी ने मुझे बोले अभी इतनी पॉसिबल नहीं है कैसे सभा होगी, अरेंजमेंट भी करना है। तो मगर कह रहे थे परसों होगी, हिस्टोरिकल स्थान है जिसके नाम पे अभी यहाँ का नाम जटाशंकर पड़ा, यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए, आप इसके और यहाँ पे गुरुद्वारे में आओगे तो आपको समाज, हिंदू समाज, हर तबके के लोग पर डे आपको यहाँ मिलेंगे। तो जो आज सबसे बड़ी मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, ह्यूमन इंटीग्रेशन क्या है, आप इस गुरुद्वारे में डेली आके देख सकते हैं। इस गुरुद्वारे से गुरु संगत के आशीर्वाद से और गुरु की कृपा, जिसके पास दो पैर होते हैं उसकी रोटी चलती है पर डे। इसके अलावा अगर दिन में कोई भी आ जाए, दिन में दोपहर में खाने का टाइम या रात के खाने का टाइम कोई भी आ जाए देख सकते, उसको खाना मिलेगा। उसके अलावा क्यों यहाँ से 10,000 लोग मिल जाते हैं, 40,000, 5,000 ऐसे यहाँ लोग हैं। क्या सुनीता जी, आकांक्षा जी, आप तो यही उद्देश्य है कि भाई बार बार हर बार योगी जी पे संत बाबा हैं, उन्होंने इतना कुछ किया है यूपी के अंदर, तो आगे भी वो करेंगे, वो तभी कर पाएंगे जब उनको फिर से मौका दिया जाएगा। तो इसलिए मैं हर एक से निवेदन करती हूँ कि भाई आप लोग सब सुबह सुबह अपने घर से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। तो यही कहूँगी बार बार हर बार योगी सरकार। सब अभी सारी औरतें इतनी सुरक्षित हैं योगी सरकार के अंडर, तो वो सब तो निकलेंगी ही घर से बाहर। पहले की सरकार में इतना भय था, इतना डर था कि वो लोग निकल ही नहीं पाती थी। अब योगी जी ने इतनी सारी सुविधाएं की है हम महिलाओं के लिए, तो अगर अब हम नहीं उनके लिए खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। तो अब समय आ गया है हम भी उनके लिए कुछ करें, और यही समय है जब हमें कुछ कर दिखाना है। तो यही कहूँगी हर एक महिलाओं से कि भाई घर से निकलिए, पहले मतदान फिर जलपान। पूरे जनप्रदान से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान को? यही बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ और कहती रहूँगी जब तक हूँ कि बार बार योगी सरकार, मोदी सरकार। धन्यवाद।